बनाने का दावा पेश किया गया। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। सर 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 एक मिनट, सर बाहर में आए हॉस्पिटल में वो लोग आ रहा है, इसलिए गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे, उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी लेब सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 43 सिपा दिए हैं और हम लोगों ने लेकर नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। सबका स्कूलें जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे जी, समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे आपको समय देंगे। आज कहीं समय मांगा था आप लोगों ने शपथ लेने के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे, हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं आप लोग दावा पेश किए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आप चले गए। देखिए हम सब अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सब दावा पेश किया है। और बोलिए बोलिए सर, बोलेंगे क्या कुछ आगे की रणनीति? भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा।